अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डे क्रीम का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या ये क्रीम आप लोगों के डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को किस हद तक फेयर करती है और किस स्किन टाइप के लिए ये जो है क्रीम बेस्ट रहेगी। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वाइटनिंग डे एंड नाइट मेडिकेटेड क्रीम्स का रिव्यू दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक वॉच नहीं की तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आज मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको डे क्रीम का बताने जा रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो आज की डे क्रीम है वो है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डे क्रीम। सबसे पहले प्रोडक्ट का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ अपनी पर्सनल राय जो है शेयर करूंगी। मेरे पास है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी एंटी स्पॉट फेयरनेस डे क्रीम, जो कि ये क्लेम करते हैं कि ये आपके जो है डार्क स्पॉट्स को, आपके फेस के मार्क्स को बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं और सन रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके फेस को जो है कुछ शेड जो है लाइटर कर देता है आपके कॉम्प्लेक्शन को। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई में आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है या नहीं और किस हद तक आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटर टोन में करती है। और अगर आप इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 35 ग्राम की जार में क्रीम आती है और इसके अंदर मौजूद है SPF 15, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको सन ब्लॉक जो है लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पैकिंग के ऊपर क्रीम की तमाम तर इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन है, जो कि 100% आपकी स्किन के लिए सेफ है। और पॉन्ड्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो क्लिनिकली प्रूव्ड है और ये टेस्टेड प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई स्टेराइड मरकरी शामिल नहीं की गई। बहुत ही खूबसूरत एक ग्लास जार में क्रीम मौजूद है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है और क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है। और आपको जो मैं ये क्रीम दिखा रही हूँ ये जो है इंडियन है, इसमें पाकिस्तानी भी आती है लेकिन मैं जो यूज़ करती आ रही हूँ वो इंडियन क्रीम है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 350 रुपीज़ में आती है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि थोड़े सा अमाउंट लेकर आप अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई करें और ये अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसके साथ इनका जो पॉन्ड्स का फेस वॉश है वो ज़रूर यूज़ करें, आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको अपनी पर्सनल जो है राय देती हूँ कि मेरी इसके बारे में क्या राय है। इस क्रीम का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप इसको रेगुलर और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो तो आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स और एक्नी मार्क्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाते हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो कुछ शेड जो है लाइटर हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है तब आपको बता रही हूँ। तो मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ जिनके फेस पर डार्क स्पॉट्स है या दानों से बनने वाले निशानात है, तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर उनके मार्क्स जो है ख़त्म होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में क्रीम है। मेरी नज़र में एक बेस्ट डे क्रीम है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस क्रीम को लगाना छोड़ देंगे तो आपके कॉम्प्लेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। बहुत सारे व्यूवर्स अब ये क्वेश्चन करेंगे कि बाहर जाने के लिए हमें इस क्रीम से पहले सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो जी हाँ, आप सनब्लॉक इससे पहले यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बाहर जाना हुआ तो, और अगर आप घर में हैं तो आप जो है जस्ट क्रीम ही अप्लाई करें, सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।